September we met. I can tell by your smile. यूक्लिड विभाजन थ्योरी द्वारा एससीएफ ज्ञात करना। तो माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे 225 तथा 135 का हमें बताना है एचसीएफ, ठीक है जी। और यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो होती है उसके थ्रू बताना है। तो इसको हम दो संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 225, तो 225 लिखेंगे और इसको भाग करेंगे छोटी संख्या से, ठीक है जी। और ये इससे कितनी बार भाग जा रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा एक बार, तो इसे एक बार यहां से भाग कर देंगे, ठीक है जी। अब इसमें से 225 में से 135 को घटाने पर बचेगा 90। अब तो इससे डिवाइड हो नहीं पा रहा है, अब इसे भाग करेंगे, यानी रिमाइंडर को भाग करेंगे उसके भाजक से। तो 135 में 90 का भाग करेंगे तो ये जाएगा एक बार, और यहां से आएगा 45। फिर अब इसे इससे भाग करेंगे, 45 का दो बार करेंगे 90, यानी जहां पर ये पूरा खत्म हो जाए वही इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन थ्योरियम, ठीक है जी, का प्रयोग करें। तो जितनी भी यहां पे जो संख्याएं हैं, ये इन सबको लिख दो, 225, 135 और 90। जो हमारा 225 है वो कैसे बना है, 135 की इसमें मल्टीप्लाई और रिमाइंडर जो है हमारा शेषफल जो है 90। तो यानी कि 135 में 1 का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर ऐड होता है, तो हमारा इसको जब गुणा करेंगे 90 जोड़ेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब इस ये हमारा 135 कैसे बना है, 90 गुणा 1 में और उसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि 90 गुणा 1 और प्लस में 45, इसको ऐड करेंगे 135 आ गया, यानी हमारा ठीक है। अब हमारा जो 90 वो कैसे बना है, 45 गुणी 90 और प्लस में रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं, 0 है। तो लेकिन हमारा कटा इससे है ना, पूरा 45 से पूरा कटा है, तो हमारा जो एचसीएफ है ऐसे हमारा 45 है, यही हमारा आंसर है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग, ठीक है जी। एचसीएफ हम ऐसे निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो आएगा उसको उसके भाजक से भाग करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको उसके भाजक से भाग करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे, तीन संख्याओं का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, जैसे दो संख्याओं का हमने ये निकाल लिया, फिर तीसरी कोई संख्या होगी तो 45 का, फिर उसके साथ इसी तरीके से करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है।